IBN 7 हौसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर बारामूला के मोहरा आर्मी कैंप पर आतंकियों ने फिदायीन हमला किया है। यह हमला देर रात किया गया, हालांकि फायरिंग अभी भी जारी है। हमले के दौरान कैंप में आग भी लग गई है। हमले में अभी तक 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 आतंकियों की मौत हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 3 फिदायीन हमला करने आए थे। ये आर्मी कैंप फील्ड ऑर्डिनेंस रेजिमेंट का है, यानी कि यहाँ पर सेना के हथियार रखे जाते हैं। रात को हमले के बाद डिपो में आग भी लग गई थी। यह हमला देर रात किया गया, हालांकि खबर आ रही है कि फायरिंग अभी भी जारी है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नसीर अहमद का। नसीर, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं वो उनके मुताबिक 3 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और मुठभेड़ में 2 पुलिस के जवान भी आज सुबह मारे गए थे। और पूरी जो डेथ टोल है वो 5 का पहुंच गया है, लेकिन अभी भी इलाके में गोलीबारी चल रही है और जो एरिया है उसको सेना ने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वरिष्ठ पुलिस और सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो स्पॉट पे पहुंच गए हैं। और पहले जो जैसे हमने बताया कि 3 फिदायीन रात के दौरान उन्होंने कैंप पे अटैक कर दिया और जिसमें पुलिस के 2 जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए और 3 मिलिटेंट्स अभी तक मारे जा चुके हैं। पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है, लेकिन जिस तरीके से गोलीबारी चल रही है तो लगता है कि कुछ और मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है और गोलीबारी भी जारी है। हालांकि सेना ने जो ये जो एरिया है उसको लगभग 2 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। नसीर, यहां पे क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्या कह रहे हैं वहां पे मौजूद सेना के जवानों का? कब तक इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा? देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि बहुत जल्दी ये ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पे सेना के बहुत सारे कैंप्स हैं और जो सिक्योरिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि रात के दौरान मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया। अंधेरे की वजह से वो इस एरिया में घुसने में कामयाब हो गए थे और जैसा मैंने बताया कि काफी डोमिनेशन रहती है इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज की, खासकर आर्मी की, तो इस वजह से लगता है कि कुछ ही समय में ये जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगी। नसीर, बारामूला की बात करें, आर्मी की डोमिनेशन के साथ साथ ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2011 या फिर साल 2013 हो, यहाँ पे कई बार लश्करे तैयबा के आतंकी जो हैं वो पकड़ में आए हैं और अक्सर कोशिश रहती है कि इस हलके में सेंध लगाई जाए आतंकियों द्वारा। उसके मद्देनजर हाईली सेंसिटिव एरिया ये यहाँ पर, इस वक्त वहाँ पे माहौल कैसा, खासकर की स्थानीय लोगों के मद्देनजर? देखिए, उरी अगर जनरल एरिया हम उरी सेक्टर की हम बात करें तो उरी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंफिल्ट्रेशन हुआ करती थी पहले, लेकिन उसके बाद जब से सेना ने इसको पूरा डोमिनेट किया तो उरी सेक्टर से जो इंफिल्ट्रेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि लगभग सेना ने उसको रोक दिया था। लेकिन अब ये बात यही है कि जब इतनी ज्यादा डोमिनेशन है इस एरिया में उरी सेक्टर में और उसके बावजूद वहां पे इतनी तादाद में भारी हथियार लेके मिलिटेंट्स पहुंचे तो एक बहुत ही चिंताजनक बात है सुरक्षा बलों के लिए, खासकर आर्मी के लिए। ऐसे में नसीर, चुनावी माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर आने वाले हैं, उसके चलते किस तरह से इस खबर को देखा जाए? देखिए, बेसिकली उसी परिपक्ष में इसको देखना चाहिए कि चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, जिस तरीके से मतदान लगभग 70% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, तो लगता तो यही है कि मिलिटेंट्स अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए पिछले कई दिनों से चाहे वो श्रीनगर लाल चौक में ग्रेनेड अटैक हो या दक्षिण कश्मीर शोपियान में सरपंच को मारने की घटना हो या आज ये जो इतना बड़ा हमला किया गया, तो सारा यही दर्शाता है कि मिलिटेंट जो है जो वोटर टर्न आउट है उससे काफी ज्यादा जो है वो उनको बताया जा रहा है सरहद पार से कि जो उनकी अटैक्स है ऐसे, यहाँ पे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों का भी कहना है कि मिलिटेंट्स को लगातार सरहद पार से आदेश दिए जा रहे हैं कि वो जो अपने एक्टिविटीज हैं उनको तेज कर दे। और दूसरी बात, आपने ये भी कही कि जो प्रधानमंत्री मोदी को 8 तारीख को श्रीनगर में जनसभा करनी है तो उसके लिए भी इसको देखा जा रहा है कि पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी जो श्रीनगर में है उसको काफी पुख्ता कर दिया गया है। नसीर, श्रीनगर और सांबा में अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री 8 तारीख को,
बारामूला में हुए इस हमले की गूंज वहां तक कितनी सुनाई देती है, वहां पे इस वक्त किस तरह का माहौल आप देखते हैं और सुरक्षा के लिहाज से कितने सख्त कार्रवाई आप देख रहे हैं फिलहाल इन दिनों में? देखिए, पिछले कई दिनों से खासकर श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर में ही प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है, तो उसको पूरी तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे ये हमला किया गया रात के दौरान, लगभग 70 किलोमीटर है श्रीनगर से। और हाँ, ये बात तो जरूर है कि सुरक्षा बलों के लिए चिंताजनक बात है, लेकिन जितनी डिस्टेंस है श्रीनगर से और जहाँ पे जनसभा होनी है, तो वो खासा दूर है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उरी सेक्टर काफी डोमिनेटेड एरिया है, काफी ज्यादा यहाँ पे डोमिनेशन होती है आर्मी की, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल भी पास में ही है। पहले बहुत बार यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग भी हुआ करती थी, इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ करती थी, तो इस हिसाब से यहाँ पे मिलिटेंट अटैक होना ये बहुत ही चिंताजनक बात है सुरक्षा बलों के। नसीर, फिलहाल यहाँ पे राज्य सरकार के हाथ में सुरक्षा व्यवस्था हो, खासकर के प्रधानमंत्री दौरे के मद्देनजर, तो ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी खुद यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रही है, उसके चलते कई सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए, जरूर एक बात यह है कि जब प्रधानमंत्री, हालांकि पहली बार नहीं आ रहे, वो कई बार अभी तक कश्मीर घाटी आ चुके हैं, और हाँ, ये तो वैसे जो जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो एसपीजी के पास ही रहती है, और इस बार भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी उनके साथ कॉर्पोरेशन होती है, जितने भी यहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी एजेंसीज हो, और तो उनके साथ तो बिल्कुल तालमेल करके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखी जाती है। हाँ, ये जरूर बात है कि एसपीजी पहले भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जब भी उनका दौरा होता है तब भी देखती आई है, और आज जब 8 तारीख को आएंगे तो वो एसपीजी ही पूरी सिक्योरिटी की देख में रहेगी। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री के 8 तारीख के दौरे के पहले बारामूला पर इस तरह का फिदायीन हमला, अपने आप में बहुत सारे सवाल। यहाँ पर फिलहाल कोशिश यही है और उम्मीद भी यही जताई जा रही है सेना की तरफ से कि कुछ ही घंटों में यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा जो बाकी बचे आतंकी हैं, और जल्द ही सिचुएशन उनके हाथ में भी होगी।